बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हिनाज किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टूना कैन फ़िश की रेसिपी। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। कैन टूना फ़िश बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। वीडियो को पूरा फॉलो करें ताकि आप भी टूना फ़िश की रेसिपी अच्छी तरह से समझ सकें। टूना फ़िश जो है साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए इसमें चंक्स हैं, बोन्स बिल्कुल भी नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टूना फ़िश की रेसिपी। फ्लेम को ऑन कर दिया है। यहाँ मैंने एक पतीली ली है और उसमें 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए, गोल्डन कलर में आ जाए। लहसुन अदरक जो है फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून के बराबर। ज़ीरा 1/2 टीस्पून। भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून। नमक 1 टीस्पून। नमक जो है वो कम ही रखना है क्योंकि टूना फिश में भी नमक होता है। टमाटर ले रही हूँ 3 से 4 अदद, इसे रफली कट कर लिया है, ये इसमें डाल दूँगी। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तमाम मसाले और टमाटर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट या 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के बाद टमाटर जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। अब मैं इन सब टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लूंगी। टमाटरों को मैश करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दही 5 टेबल स्पून। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बड़ी हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, इसे कट कर लिया है। अब दही और सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लूंगी। मसाला भूनने के बाद कवर करके मैं इसे 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तमाम मसाला भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी सिबलो का लाइट मीट टूना फिश। ये 125 ग्राम का एक कैन है, इसके 3 कैन मैंने लिए हैं। अब ये तीनों कैन मैंने इसी मसाले में डाल दिए हैं। अभी सारे कैन डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। इस कैन की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर स्मेल नहीं होती, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से भून लूंगी। सारे मसाले भूनने के बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर करके और पका लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून। अब इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब इसे इतना पकाऊंगी कि मेथी की जो है वो एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। टूना फिश हमारी तैयार है। अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल के इसे सर्व करूंगी। इसे गरम-गरम नान और चपाती के साथ खाया जाए तो ये बहुत मज़े की लगती है। उम्मीद है कि आपको कैन टूना फिश की रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुई है। आप भी इस टूना फिश की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ हिनाज किचन पर। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।